सो गाइस आ गया है न्यू व्लॉग और आज है क्या तरीके है 10 अक्टूबर और मैंने बोला था 10 अक्टूबर से मैं करूँगा डेली व्लॉगिंग और 10 अक्टूबर है और एक बुरी खबर है हमें हमारा कल से शायद डेली हो गया स्कूल और कल जाना है स्कूल। शायद मेरा कल रिजल्ट भी है, देखते हैं क्या होता है। मैंने बोला रात से ही व्लॉग स्टार्ट करते हैं, मेरा प्लान तो कल था लेकिन मैंने बोला कल कब स्टार्ट करूँगा क्योंकि कल स्कूल तो जाना है, क्योंकि सुबह सुबह तो करनी चाहिए क्योंकि सुबह तो मैं नहीं हूँगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो लेकिन अब कर दिया मैंने व्लॉग स्टार्ट, डेली व्लॉगिंग स्टार्ट है पूरा। ट्राई करूँगा कि उसको टूटने ना दूँ और किसी भी मौके में बनाऊँ वीडियो, पहले तो नहीं हो पाया मेरे से लेकिन अब मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं अपनी डेली व्लॉगिंग को जारी रखूँ। फिलहाल टाइम हो रहा है भाई, यार इधर घड़ी नहीं है, तो इधर घड़ी देखो ख़राब पड़ी हुई, तो टाइम देख के बताया, इधर टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है गाइस, देख के बताया था। टाइम हो रहा है तो गाइस टाइम हो रहा है 9:30 और बहुत कुछ करना है अभी, और मैंने अभी थोड़ी बहुत व्लॉगिंग सीखी है क्योंकि अब मैंने मुँह पर फ्लैश पड़ा है, वैसे ही पढ़ सकता था लेकिन इसमें मेरे को लगता है इसमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आती है, तो आज देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी अभी मैंने अपना नया वीडियो अपलोड किया है गेमिंग वाला, प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, अभी अपलोड किया है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है और बस जाके देख लो यार इस वीडियो को। तो बातें बहुत करता हूँ लेकिन आप बातें नहीं करेंगे, ओके तो लेट्स गो। तो गाइस सबसे पहले घर की हालत बताता हूँ, ये बेजे से लेट के मोबाइल यूज़ कर रहा है और इधर थोड़ी मीटिंग चल रही है और बातें होती रहती हैं यार। अब क्या बोलूँ मैं, एक घर पे पूरी मीटिंग तो दिखा नहीं सकता। आप लोग बोलते हो कि सब कुछ दिखाओ, फैमिली को इंटरटेन करो, यार मैं घर पे भी नहीं दिखा सकता किसी को, फिर ट्रेवल आराम से करेंगे और बस यार अभी नहीं कर सकता यार। समझा करो कुछ होता है, मतलब शुरू में नहीं दिखाऊँगा, थोड़े बहुत आप सपोर्ट करो तो ज़रूर दिखाऊँगा, थोड़ी सपोर्ट करो यार, पहले आप सपोर्ट करो फिर मैं दिखाऊंगा अपने मॉम डैड उनको दिखाऊंगा तभी। अभी तो सिर्फ भाई को दिखाता हूँ, हम तीन ही हैं, हम चार ही लोग हैं और हम दो भाई दो मॉम डैड, उनका फेस्टिवल करेंगे बाद में, अभी नहीं, तो अभी सबर करो। तो मैं करूँ क्या यार, सिर्फ भाई को ही दिखाता रहूँ क्या, तो मैं अपनी रूटीन बता रहूँगा और आप इन्जॉय करना, ओके चलो देखते हैं अभी क्या होता है। सबसे पहले तो खाना बन रहा है आज और खाने बनेंगे अंडे की लाग अगर को हो जाएगी चार्जिंग क्या लियो बन रही है चार्जिंग लगा। हाँ लगा रहा हूँ, बस लगा रहा हूँ, देखो तब मेरे को अपना मोबाइल चाहिए, जीना खड़े होते हैं तो चलो यार चलो उसको चार्ज पे लगाते हैं कुछ आधा घंटा, फिर उसके बाद खाने को मिलते हैं, ओके बाय। हेलो, तो आप लोग बोलते हो इस कमरे को देखो, ये रहा है, यही है हमारा कमरा, यही है बस, वो मैं आज तक दिखा रहा नहीं, वो अलग बात है। तो इधर मैंने बहुत वीडियोस बनाई है, इधर ही मेरा स्टैंड होता था, तो मेरे बहुत सारी इधर रख के, ये गजी रख के ऊपर बहुत सारी वीडियोस फ्लिप द होटल मेरे वीडियो जिसमें आजकल 300 व्यूज आने वाले हैं। यहाँ कैमरा था, यहाँ खुद मैंने पकड़ा हुआ था, यहाँ मैं खेल रहा था देखो कैसे वीडियोस बना रहा था चलो और अभी, और ये है मेरी साइकिल और इसका बताना है कि देखो गाइस इसका ये देखो ना, मैंने इधर ऑयलिंग की थी, इधर की थी लेकिन फिर भी हो रहा है यार, इधर बहुत जाम हो गया। और गाइस मैंने चेनों पे भी ऑयलिंग की थी, इधर की थी मैंने ऑयलिंग, और वो और मसला नहीं है, मेरा मसला बताऊँ क्या है, ये देखो आप मेरे को बताओ जिस जिसको साइकिल के बारे में बताया कि देखो ये पंचर है, ये क्या है ये, और ये देखो गाइस मैं दोबारा हूँ, पता नहीं हवा नहीं है, पंचर है, ये देखो गाइस पूरा दुब रहा है, देखो यहाँ तक आ रहा है, पूरा दुब रहा है और पूरा दुबाया जा रहा है, ये है और इसकी हालत देख लेते हैं, अभी वैसे ही पड़ा हुआ, और ये भी वैसे ही है गाइस, देखो अब मेरे को तभी चला नहीं पा रहा, कुछ मोटो व्लॉगिंग करें लेकिन तभी चला नहीं पा रहा, लेकिन अच्छी है यार, सिनेमेटिक्स लेने का दिल करता है क्योंकि ये मैंने ली थी 12,000 रुपीज़ की और ये अच्छी है भाई, थोड़ी गेयर वेयर इसमें पूरे 7 गेयर होते हैं, अच्छी सी हो जाती है, दिखाता हूँ यार आपको बैठ के दिखाता हूँ कि इसका वो कैसे है, इसका हैंडल कुछ ऐसा है और आराम से मैं यहाँ से चला लूँगा, मैं एक हाथ से भी चला ही लूँगा, सही लगती है मेरे को एक हाथ से भी चला लेता हूँ मैं एक हाथ से, चलो यार अभी इसके गेयर होते हैं, यहाँ से गेयर लगते हैं और यहाँ से लगाते हैं, यहाँ से निकालते हैं और यहाँ से दिखता है, तो चलो भाई बस इसकी हवा भरे तो हम चलाते हैं।
और ये है हमारा कमरा, उधर चल रही है थोड़ी बहुत मीटिंग। अभी फेस रिवील नहीं करेंगे, ऐसे पीछे पीछे से दिखाएंगे, क्योंकि फेस रिवील कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी रोको थोड़ा। हम करेंगे 500 सब्सक्राइबर्स पे पापा का फेस रिवील, फिर 1K पे, 1K पे नहीं, 1K पे नहीं यार, 1K पे किसी रिलेटिव को कर लेंगे, और फिर आगे आगे देखते हैं, देखते रिकॉर्ड करते हैं सब। टाइम अभी इतना ही हुआ है, सो अभी मैं थोड़ा लेटता हूँ और बैग वेग तैयार करता हूँ, क्योंकि बैग तैयार करना ज़रूरी है और भी काम है, तो बैग तैयार करता हूँ और बोतल भर के रखनी है, क्योंकि सुबह लेके जाता हूँ ना, प्यास लगती है। चलो मिनट्स को आप टैबलेट देख लेते हैं। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. ये है ना बैग, खोलो, इसके अंदर भी एक जगह इसको बंद रखता हूँ, फिर इसके अंदर है सारा मेरा माल पानी, तो इसके अंदर मैंने बैंक विंक भर दिया, सब कुछ हो गया। तो अब जल्दी से अब थोड़ा बहुत लेटते हैं, खाना बनेंगे रखा के। अरे बेहतर अली पता नहीं क्या कर रहा है इसकी सही चिड़ती है। वेलकम बैक, अभी टाइम हो रहा है 1:30 और थक गया यार। अभी अभी स्कूल से आया हूँ, तो वो सॉक्स वॉक्स सब कुछ अभी अभी आया हूँ, अभी अभी स्टार्ट किए। तो हमारे स्कूल हो गए हैं क्या हो गए हैं रुको हमारे स्कूल हो गए हैं डेली, और मेरे को बहुत बुरी फीलिंग है, मेरे को समझ नहीं आ रही मैं डेली कैसे करूँगा, तो लेकिन करेंगे। अभी फ्रेश होते हैं और थोड़ा बहुत आराम करते हैं, और मैं भी बैठ था तो मैं एक चीज़ ला रहा हूँ, चलो दिखाता हूँ आपको। डंडा ये था मेरे पास, तो ये मेरे को चाहिए था, क्योंकि मेरी साइकिल की सीट थोड़ी छोटी है, उसमें मेरे टांगे दर्द करते हैं, तो ये ले आऊँ, तो अब अच्छी सी राइडिंग होगी। तो बस यही बताना था, अब इसको रख देते हैं इधर, और बस ये भर गया क्या यार? हाँ चलो भर गया, तो वो बर्डली बन करके हम आराम करके फ्रेश होकर मिलता हूँ। ओके तब तक के लिए बाय। तो अभी मैं काम कर रहा था, देखो कब से मैं लगाऊँ, कुछ आधा घंटा एक घंटा हो गया, ब्लॉग बनाना भूल गया था। मैं काम कर रहा हूँ, ये मैंने लगाई है अपनी जो पुरानी सीट थी, वो मैंने कल जो दिखा रहा था आपको, ये सीट है मेरी पुरानी। और इस सीट में प्रॉब्लम क्या हुआ है गाइस, ये सीट बहुत छोटी है, और ये सिर्फ इसके लिए मैंने बॉडीगार्ड खोला, इस सीट को निकाला और बॉडीगार्ड भी निकाला यहाँ से, और फिर अभी बॉडीगार्ड इधर, फिर मैंने इस सीट को मैं लाया था खुदेमा गेमिंग की साइकिल से, ये सीट लाया क्योंकि उधर डंडा है ना, थोड़ा लंबा है ये, तो ठीक है रहता है। तो मैंने अभी डंडा तो लगा दिया किसी ना किसी तरह, सीट में ले आया था ट्री जॉन लिखा होगा, और हमारी साइकिल कुछ ऐसी है, पीछे से दिखा देंगे, पीछे से साइकिल राइडर ब्लॉग देखा होगा तो ये इधर ही हुई थी मेरी साइकिल राइडर ब्लॉग। इसमें है 7 गियर, यहाँ से गियर दिखते हैं, ये पीछे गियर है, तो यही है हमारी साइकिल। और दिखाता हूँ कि क्या हुआ था, अभी मैं ये बॉडीगार्ड जोड़ रहा था, सीन कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सबसे पहले तो बॉडीगार्ड लगाया, ये पता नहीं इधर फिट नहीं हो रहा, मैंने बोला कुछ हल्का वल्का, मैंने टेप भी लगाई, और फिर उसके बाद मैं यहाँ से, ये देखो मेरे पास पेचकस है, कहाँ गया पेचकस, हाँ ये रहा, और ये देखो ये है ना नट, इसको मैं ये देखो बहुत हिल रहा भी है ये, अरे बहुत ढीला भी, मैं उसको सही कर रहा हूँ, टाइट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसकी ये आ जाता है, देखो इतना ढीला, और ये यहाँ से बहुत हिल रहा है, और मैं इसको टाइट जितना कर रहा हूँ यहाँ से फुल टाइट है,
लेकिन फिर भी ये हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है गाइस, ये हो रहा है। और मेरे को लगता है ये ऐसे हो रहा है क्योंकि ये बाहर आया हुआ है बहुत, तो इसका कुछ करना है। बाकी और सब हो गया, बस ये रात को करवा देंगे पापा से, और ये करवा देंगे मतलब इसको अंदर तो थोड़ा ऊपर कर देंगे, ये की फंस जाती है इसके अंदर, और सब कुछ ठीक है, ऑयलिंग वॉयलिंग हो गई है, बस इसको पंचर, पता नहीं पंचर ही क्या है, मैंने पूछा था कल यार पंचर ही क्या है यार बताओ सबके सब, और बस देखते हैं क्या होता है, बस इसको पंचर भी लगवाना है, पंचर पता नहीं कुछ है कुछ करवाना है, इसका भी करवाना है, फिर सेकंड रेडी हो जाएगी, फिर मोटो व्लॉगिंग करेंगे। और बस यार अभी इसका कुछ झंझट हुआ, मैं सोच रहा था क्या करूँ, तो आप में कमेंट में बताओ क्या करना है, आज का व्लॉग आएगा तो देख लेना ओके। और मैं माई डेली व्लॉग डेली स्टार्ट हो गया स्कूल, तो मैं छोड़ूंगी नहीं, स्टार्ट करता रहूँगा ओके। सो अभी टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, उठते हुए उठना पड़ेगा। तो गाइस इसको सबसे पहले इसको ठीक कर देते हैं, कसम से इसको ठीक कर देते हैं, कोने पे लगा देते हैं, क्योंकि फिर ऐसे ताने पड़ते हैं कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और ये सारा सामान भी रख लेते हैं, फिर पड़ेगी डांट। ओके 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 ओके, चलो चलो जी पर्दा करो। अच्छा आया आया, रुको रुको, हाँ वही रखो, ओके ब्रो ओके ओके ओके, टेंशन नहीं, सही हो गया तो सॉरी है, तो कोई नहीं बल्ले करो, हाँ जाना है जाना है, चला जाऊँगा यार, क्या है यार घर पे कोई व्लॉगिंग नहीं करने देता, ये ठीक हो गया, और इसको रखेंगे हम इधर, तो ठीक हो गया भाई सारे काम हो गए। और अभी टाइम पूछा सारा टाइम हो रहा है, अच्छा 4:30 हो रहे हैं, मेरे को जाना है, पाँच तो निकल जाऊँगा भाई 5 बजे, ये 5:30 का टाइम दिया था, हाँ 5:30 में चला जाऊँगा अपने ट्यूशन, और ट्यूशन में आज काम नहीं है इतना, तो मैं जल्दी आ जाऊँगा फिर, ये दो डायरी है सिर्फ हो जाएगी, और डेली हो रहा है तो कम कम डायरी मिलेगी, मेरे को अच्छा भी लग रहा है, कम कम डायरी हम कर लेंगे ओके। तो व्लॉगिंग थोड़ी बहुत ही करनी थी क्योंकि व्लॉग थोड़ा छोटा बन रहा था, तो चलो अभी थोड़ी लाइटें लगा लेते हैं यार अब ओके। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं टाइम ये हो रहा है और प्रॉब्लम ये हो रहा है, अभी टाइम तो हो रहा है कुछ 5:15, मैं कब से एक चीज़ में लगा हुआ था कि मेरा मोबाइल अब हैंड फ्री के साथ ही आवाज़ आ रही है, वैसे नहीं आ रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को अलार्म की भी आवाज़ आ रही है, मेरे को कॉलों की भी आवाज़ आ रही है, मेरे को और भी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, लेकिन यूट्यूब नहीं आ रही, गेमें नहीं आ रही, मतलब आवाज़ नहीं आ रही मेरे को हैंड फ्री के बगैर, हैंड फ्री लगा रहा तो आ रही है, मतलब हैंड फ्री लगा रहा हूँ उसका मतलब है, और मेरे को लग रहा है ऐसा कुछ है कि ऊपर ऑप्शंस आ रहे हैं कि ऊपर जब लगाते हो ना हैंड फ्री तो ऊपर हेडफोन सा बना रहता है, वो मैंने हैंड फ्री नहीं लगाई हुई फिर भी बना हुआ है, और जब मैं कर रहा हूँ तो नहीं आ रही आवाज़ किसी ऐप में भी, नहीं आ रही ना गेम ना यूट्यूब ना कुछ भी नहीं भाई, अपनी वीडियो तक नहीं आ रही, बस वो हैंड फ्री लगा हुआ सब कुछ आ रहा है लेकिन आवाज़ एक भी नहीं आ रही, तो बुरी लग रहा है, बुरा लग रहा है ना, तो आपको तो आवाज़ आ रहा होगा, आपको मोबाइल ठीक होगा, तो अभी मेरे मोबाइल का प्रॉब्लम है, तो क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, और अभी घर पर भी नहीं पता आपको तो क्या होता है, पता नहीं कुछ पता नहीं था, मैं वीडियो बना रहा था उसके बाद मैंने देखा तो यही सीन हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है यार, ये स्पीकर को मेरे कहाँ से देखो, स्पीकर का तो प्रॉब्लम आई थिंक नहीं है, स्पीकर का तो नहीं है या कुछ टेक्निकली कुछ हुआ है, लेकिन देखते हैं क्या होता है, रात तक तो अगर पूछेंगे देखते हैं कुछ ठीक कराने जाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। अभी गूगल पे वाला आया है तो मिलता हूँ आपको ट्यूशन से आके ओके, ट्यूशन जा रहा हूँ अभी वापसी आके, जल्दी आ जाऊँगा ओके, मिलता हूँ आपको ट्यूशन वापसी आके, ट्यूशन वापसी आके ब्लॉग एंड कर दूँगा क्योंकि थोड़ा लंबा हो गया ओके, वेलकम आदमी बाय। मैं ट्यूशन से आके सो गया था, अभी टाइम हो रहा है 10:11 बजने वाले, 10 मिनट रहते हैं और मैं अभी सो रहा हूँ दोबारा से। सो गाइस मेरी आवाज़ आ गई है मोबाइल की, हुआ कुछ है तो वो सेटिंग के अंदर से म्यूट हुआ था यार, क्या है यार, तो कोई नहीं ये बकचोदी होती रहेंगी, तो इस व्लॉग को एंड करते हैं, अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, पीस आउट।